सेक्स गलत नहीं होता है, ना उसके बारे में बात करना गलत होता है, ना उसके बारे में लिखना गलत है। उसको किस रूप में, किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, तब उसको गलत और सही कह जाना उचित होगा। भारत में सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है या इस पर बात खुलकर क्यों करनी चाहिए? 90 के दशक से यह हमेशा विवादों का विषय रहा है। साहित्य और सिनेमा समाज का दर्पण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आमतौर पर सिनेमा जगत बटा है और ये कभी कभार खुलकर सामने आता है। शुक्रवार को भारत में रिलीज हुई 2012 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ओ माई गॉड की सीक्वल ओएमजी 2 इसी तरह के विषय पर आधारित है। महाकाल की नगरी में शिव के कट्टर भक्त कांति शरण मदल के बेटे विवेक को अश्लील हरकतें करने के चलते प्रतिष्ठा पर आंच आने के कारणों का हवाला देकर स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद अपने बेटे की खातिर धर्म, लिंग पर अपने विचारों और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाने के लिए पिता को मजबूर होना पड़ता है। हालांकि वो आधुनिक विषय को चुनौती जरूर देते हैं, लेकिन सनातनी मान्यताओं को आधार बनाकर कांति कहते हैं, जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तब हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ लिया था महाराज। समाज में प्रचलित मान्यता है कि क्या हस्त मैथुन करना पाप है, मर्दानगी औरतों के साथ बिस्तर में देर तक वक्त बिताने में है या उसके सुख की कद्र करने में, गुप्तांग के साइज के छोटे या बड़े होने से क्या फर्क पड़ता है, या भारत में ऐसी कोई दवाई नहीं, कोई तरीका नहीं जो पुरुषों के गुप्तांगों के साइज को बढ़ाने कारगर साबित हो। हाँ, कथित तौर पर कुछ दवाइयां मौजूद है जो उत्तेजना को जरूर बढ़ाती है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके क्या है? बच्चों को यह सब समझाने की जरूरत आखिर क्यों है? हम में से कितने लोग अपने माता पिता के सामने किसी फिल्म में प्रेम प्रसंग दृश्य देखने में सहज है? योनि और लिंग को गुप्तांग का नाम क्यों दिया जाता है? भारत को कामसूत्र की भूमि माना जाता है, फिर भारतीय माता पिता और शिक्षक बच्चों के साथ सेक्स के बारे में खुलकर बात करने से आखिर क्यों कतराते हैं? स्कूलों में पीरियड्स पर बात क्यों नहीं होती? इंटरनेट पर पोर्न आसानी से उपलब्ध है, लेकिन स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर बैन है। 10वीं क्लास की साइंस की किताब में रिप्रोडक्शन के चैप्टर को स्किप करके क्यों पढ़ाया जाता है? अगर ये सब अश्लील है तो अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्र बच्चों को फ्री में और बूढ़ों को 100-150 का टिकट लगाकर क्यों दिखाए जाते हैं? जैसे सवालों का जवाब तलाशती है ओएमजी 2। दर्शकों के बीच पकड़ बनाने में फिल्म को कम से कम 20 मिनट का समय लगता है। अगर आप पुरानी फिल्म की अवधारणा बनाकर इसे देखने जा रहे हैं कि इस बार भी भगवान इंश्योरेंस के पैसे चुकाएंगे, तो शायद आपको थोड़ा निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि ओएमजी 2 प्रगतिशील होने के बावजूद आपसे पुरानी जड़ों की तरफ लौटने का आह्वान करती है। कांजीलाल मेहता सच्चे नास्तिक थे, लेकिन कांति शरण मृदुल में आपको एक सच्चा आस्तिक दिखाई देगा, जो माथे पर हर समय चंदन लगाए रखता है और आस्था में जीता है। रख विश्वास, तू है शिव का दास या तू है शिव के पास, जैसे डायलॉग इसकी पुष्टि करते दिखाई देता है। जो काम छिपकर किए जाए जरूरी नहीं वो गलत ही होते हैं। बच्चे गिल्ट में मर जाते हैं, उसका पिता नहीं दोस्त बनिए। आंख नाक छाती पेट घुटने पैर, लेकिन पेट के नीचे घुटने के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। गालियों में उल्टे सीधे शब्द सब कह सकते हैं, लेकिन सेक्स पढ़ा नहीं सकते। सीक्वल का मूल फिल्म से आगे निकलना दुर्लभ है। लेखक निर्देशक अमित राय की चतुर और कुरकुरा कोर्टरूम कॉमेडी इस विशाल कार्य को पूरा करती है। इसे उमेश शुक्ला की ओएमजी ओ माय गॉड का आध्यात्मिक सीक्वल कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। डायरेक्टर ने यथास्थिति को चुनौती दी है और फिर भी धर्म, गरिमा और भारत के पारिवारिक मूल्यों की पवित्रता को कायम रखा गया है। हमारा मानना है कि अगर आपने ओ माय गॉड नहीं भी देखी है, तब भी इस सीक्वल के अपने किशोर बच्चों के साथ देखने जाना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु ने फिल्म के लिए कहा है, इस मामले में ए सर्टिफिकेट में किशोरों को शामिल किया जाना चाहिए। यही ये सबसे अधिक मायने रखता है। मानव जीव विज्ञान को समझने और किसी व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को सम्मानजनक और जिम्मेदार तरीके से जवाब देने के बारे में शिक्षा एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, जो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। यदि पुरुष अपनी यौन आवश्यकताओं और सीमाओं के बारे में अधिक जाने, तो शायद देश में महिलाएं अधिक सुरक्षित हो सकती है। इसके लिए सेक्स वर्कर का छोटा किरदार और क्लाइमैक्स आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा। शुक्रिया।